तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं, आज हम भाई जल्दी उठ गए थे। उठना तो 8 बजे था, 8 बजे श्री हनुमान चालीसा लगा दी थी हमने, लेकिन हनुमान चालीसा 4 बार बज गई लेकिन कोई उठा नहीं। और अभी 11 बज रहे हैं, मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ पूजा वूजा करके, क्योंकि आज आने वाला है सेम सेक्स मैरिज पे जजमेंट। फाइनली हम लोग वही लाइव देख रहे हैं, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई है और यशु गई है नहाने के लिए, और वो शायद पता नहीं अभी अंदर बैठ के देख रही है। देख रही है क्या तू? है जजमेंट देख रही है क्या अंदर? जजेस आ गए, जजेस आ गए, एलजीबीटी नवी मुंबई, एलजीबीटी नवी मुंबई भी है लाइव साथ में। हाँ, कौन मुंबई से? एलजीबीटी नवी मुंबई लाइव है। हाँ तो मिनट रुको, मैं यार जल्दी आ, पागल जी गलत टाइम पे नहाने चले गए, इसलिए मैं तो जल्दी नहा ली थी भाई। मेरे को पता था जजमेंट 11 बजे जस्ट स्टार्ट हो जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग, तो अभी भाई होप फॉर द बेस्ट, देखते क्या होता है आज, जैसा भी होगा आपको बताएंगे जरूर। और अभी जस्ट दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। अभी एलजीबीटी नवी मुंबई, मुझे नहीं पता क्या सीन है इनका, बट यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है तो देखते हैं क्या रहता है, आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। आ चुके हैं जल्दी, बस आते, इसने डीओ लगाया है। क्या चल रहा है? नहीं एलजीबीटी, ये इसके साथ पता नहीं एलजीबीटी नवी मुंबई क्या है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि वो तो सिर्फ मुंबई है, कोई और है पता नहीं। गाइज नहा के आ चुकी हूँ मैं, और मैं इतनी जल्दी 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 नहा के आई हूँ ना एक्साइटमेंट में, इन्होंने मेरे को बोला जल्दी और जजेस बैठ चुके हैं, पर दिख तो नहीं रहे मेरे को जजेस यहाँ पे। वो बंद हो गया, स्क्रीन बंद हो गई तेरे आते ही। मैं देखो, मैं क्या पनौती बन गई हूँ क्या कि मेरे आते ही बंद हो गई? आज तो भाई लीगल होनी चाहिए, मैं नहा के आई हूँ। मैं भी नहा के आई हूँ, मैं भी नहा के आई हूँ, क्या करूँ फिर अभी, रुकूँ क्या करूँ? देख ले, देख ले, थोड़ी देर आजा बैठ जा, देख लेते हैं। मैंने कल थोड़ा दिया लगाया थी पहले, जा पहले दिया लगा, बक बक जल्दी जल्दी अच्छे से प्रार्थना करके आना। गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं, आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं सेम सेक्स मैरिज पे जो है फैसला आ चुका है, और फैसला आया है एज यूजुअल। उम्मीद तो हमें कुछ ज्यादा ही थी कि भाई अपने हक में आएगा, बट नहीं आया। अभी इसकी डिटेल में हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज हमारी मेड जो है उसके बच्चे के कान में कुछ तो चला गया है, जिससे वो उसको हॉस्पिटल लेके गई है। तो उसको सुबह फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, तो हमने उसको बोला कि भाई ठीक है तू मत आ, पहले अपने बच्चे को देख, फिर बाद में टाइम मिले तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो बहुत देर हो गई तो आई नहीं, तो फिर यशु ने झाड़ू पोछा तो लगाया नहीं आज, साफ था वैसे भी, तो बर्तन अभी वो कर रही है। और मैं माँ हूँ, आई एम प्योर एंड पाइस। सिंदूर पता कहाँ आया पड़ा है, यहाँ तक। वो हमारे बिहार के बहुत सारे फैंस है ना, उनके लिए आया होगा, क्योंकि उनके पैसे लगाते हैं यहाँ, नोट से लगाते हैं सिद्धू, तो इस वजह से कोई बात नहीं। गाइस देखो, हमको इंसान बन के रहना चाहिए, अब उसका बेचारी का फोन आया, वो बहुत परेशान थी। हाँ, बहुत घबरा घबरा के बोल रही थी। दीदी मैंने कहा क्या हुआ, बोलो तो सही, दीदी मेरे बच्चा के कान में कुछ अलग ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप दिखाओ, तो मैंने उसको बोला कि अगर कोई कुछ लगे तो फोन कर लेना कोई जरूरत हो तो, कहती है ठीक है। बट उसकी पता एक चीज बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं, वो ना कभी भी ना बिना मतलब की छुट्टी नहीं मारती, और दूसरा ये कि वो हर सिचुएशन के लिए फोन करती है, कितने भी क्रिटिकल हो चाहे कुछ भी, यहाँ तक क्या करते हस्बैंड पे कोई बात हो जाएगी ना उसकी, तो मेरे को फोन करके बताएगी, और झगड़ा हो गया मैं खाना नहीं बनाई हूँ, मैं लेट आऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं, पहले झगड़े सुधार लो आप अपने, अच्छी लगती है मेरे को इसलिए ना। और उसको कहती मेरे को, दीदी आप ना बहुत अच्छे हैं। मैंने अच्छा, एक दिन कहती है मुझे एनिवर्सरी से पहले, जब हमारे बहुत काम वाम फैला हुआ था, तो हम किचन की सफाई कर रहे थे, तो बर्तन मांज रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और पसीने से पूरा तर तर तर, ऊपर से मेरे वो पहनी हुई थी क्या बोलते हैं जिम वाली स्पोर्ट्स, तो ऐसे गिर रहे पसीने बुरे तरीके से। कहती है दीदी एक बात बोल, मैंने कहा क्या, आप काम बहुत करती है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब तो मैं कम करने लग गई काम, क्योंकि इतना काम रहता नहीं है यहाँ पे, पहले घर पे होती थी तो बहुत करती थी मैं, मैंने कहा तो मेरा स्टैमिना भी कम हो गया। कहती है हाँ वही हम बोले, दीदी इतना मोटी है फिर भी बहुत काम करती है। मैंने कहा ये बोलना जरूरी था, मोटी है दीदी। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, मैंने कहा हो गई वो मैं मोटी। फिर कहती है, मैंने कहा क्या कहते हैं आप, पता नहीं कुछ बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि आप तो मेरे से पतले हो, ऐसे करके कुछ बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आप तो पतले हो मुझसे।
मतलब वो खुद को कह रहे थे कि भाई मैं मोटी हो रही हूँ, तो मैंने कहा आप तो बहुत पतले हो मेरे से, तो कहती है, मैंने सोचा कहेगी कि नहीं कोई बात नहीं भाई ज्यादा फर्क नहीं है, कहती है आप तो बहुत मोटी हो मुझे। मैंने कहा स्विमिंग पूल क्यों बना दिया इसमें, धो रही हूँ ना बर्तन। अरे महाराज को देख लो जरा, साथ ही धो सकती ना, ये देख लो जरा महाराज को, शर्म थोड़ी है इसको, बिल्कुल शर्म नहीं है, कैसी खाली इसने। तो आप कुछ कहें सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, या थोड़ी देर बाद कहेंगे आराम से? देखो पहले सेम सेक्स मैरिज पे मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मेरा एक्चुअली मैं अगर पर्सनली अपनी जस्ट इंडिविजुअली अगर अपनी फीलिंग शेयर करूं तो मुझे एक चीज का बहुत बुरा लगा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि हियरिंग चल रही थी तो एक कहता है ना बंदे को होप रहती है कि चलो चल रहा है, अभी कोई डिसीजन नहीं है पर्टिकुलर किसी चीज को लेके, बट अभी क्या था नॉर्मल था क्योंकि हमको ज्यादा वो नहीं पड़ रहा कि चलो ठीक है लाइफ चल रही है स्मूथ चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे साथ स्मूथ चल रही है तो बाकियों के साथ भी स्मूथ चल रही है। अलग अलग तरीके के लोगों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमको पता भी नहीं है, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स का अंदाजा भी नहीं लगा सकती क्योंकि क्या फेस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सारे सिटीज में या फैमिलीज में इस चीज को लेके वो नहीं है। तो मुझे एक चीज पे बुरा लगा कि जो हमारे यू नो केंद्र सरकार के जो यू नो एडवोकेट थे वो बाहर आके जो बोल रहे थे नो कि मोदी सरकार के होते हुए हम वेस्टर्न कल्चर नहीं चलने देंगे, मोदी जी का बाहर जाना भी बंद करवा दो ना वेस्ट वाली कंट्रीज में, वेस्टर्न वाली कंट्रीज में, बाहर भी क्यों जाते हैं वो, बाहर की कंट्रीज में क्यों जाते हैं, ना जाए। तो जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो कि सेम सेक्स ये जो भी LGBTQ है जो भी ये चीजें हैं कोई किसी ने क्रिएट नहीं की, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सेल्फ क्रिएशन है किसी का, किसी ने सेल्फ क्रिएट किया है खुद को, कोई स्टाइलिश बनने के लिए कूल बनने के लिए किसी ने ये किया, नहीं भाई एक लड़की का लड़के से शादी करके पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई मैन्युपुलेशन नहीं है, ये कोई सेल्फ क्रिएशन नहीं है कि आपने बस कोई फैसला ले लिया, बंदी की बहुत सारी नीड होती है, फिजिकल भी होती है फाइनेंशियली भी होती है और उसकी खुद के इमोशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जो लोग ये धारणा अपने मन में बना के ये सोच लेते हैं ये तो फैशन चल रहा है, ये तो भाई फैशन के चलते ऐसा चल रहा है, नहीं इतना आसान नहीं होता भाई किसी के साथ भी लाइफ स्पेंड कर लेना, आप किसी मजाक के चलते या किसी चीज के चलते किसी फैशन के चलते अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ना तो ये वेस्टर्न कल्चर है और ना हमने खुद से कोई सेल्फ क्रिएशन किया है और ना ही कोई इलनेस है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा 2023 चल रहे और आज के टाइम पे भी मतलब लोग इस चीज पर कैसे वो कर सकते हैं, मतलब कैसे इतने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं और दूसरों को भी बेवकूफ समझ सकते हैं। तो भाई बहुत ही बड़ी एक कम्युनिटी है एंड उनको इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एंड जहां तक बात है मैरिज, बिल्कुल सही लग रही तो इस टाइम पे बोलते हुए गुस्सा आ रहा है ना, नहीं परफेक्ट लुक के साथ परफेक्ट बोल रहे एकदम। तो जहां तक बात है मैरिज इक्वालिटी की, तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं तो सुबह से कह रही थी, मैंने कहा बस अब डिसीजन आ जाएगा, देखो कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी फिर से, तो तैयारी कर लो तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि शादी करेंगे इसमें बहुत धूमधड़ाके से, मतलब जो शादी की थी वो भी साइड, जो एनिवर्सरी की है वो भी साइड, तब आई आग लगा देंगे। लेकिन भगवान जी ने कहा अभी तुम्हारा बैंक बैलेंस ग्लो है तो चुपचाप बैठे रहो, अभी कुछ दिन बाद आएगा फैसला। तो अभी होप नहीं छोड़ सकते हम, देखो क्या बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही हम इस रिश्ते को शादी करके एक साल एनिवर्सरी का मना के यहाँ तक लेके आए हैं, तो ऐसा नहीं होता, उम्मीद के चलते और कोशिश के चलते बहुत कुछ बदलता है। और अभी भी हमारा कुछ यू नो ऐसे कोई ट्रस्ट वस्ट ब्रेक नहीं हुआ है, हम ब्रेक नहीं हुए हैं क्योंकि हमको पता है तो शुरुआत है। और जब भी बहुत बहुत बड़ी खुशी आपको मिलनी होती है ना, बहुत बड़ी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके लिए भगवान बहुत सारी परीक्षाएं लेता है। एंड डेफिनेटली जिस दिन भी इसका डिसीजन आएगा और जब मैरिज के लिए राइट्स मिलेंगे हम लोगों को पूरी कम्युनिटी को, तो वो जो एक फील होगा ना खुशी का वैसे हल्के में नहीं होगा, भगवान ने कहा हल्के वाला फील नहीं दूंगा, वैसे भी जो चीज आसानी से मिल जाए उसका मजा, फिर मजा नहीं है। यस अभी देखो शादी अगर हमारी नॉर्मली हो जाती कुछ राड तकरार नहीं होती इतनी पहले नहीं होती, नहीं आता इतना अब तेरे आई अब तेरे को तेरी शक्ल दिखाऊं एक बार, नहीं मत दिखाओ गाइस जब दिखाना तो साथ में कोई बात नहीं काम कर रही मैं सिंदूर लगाती हूं ना इसीलिए। तो गाइस चलो अभी मैं थोड़ा सा काम करती हूं, थोड़ा काम निपटा लेते हैं, आदित्य गए नीचे तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज ये देख लो यहाँ पे नूडल्स चल रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है डुग्गू को तो कि भाई बीवी के फास्ट चल रहे हैं तो ये हरकतें ना करे। एक बार जरा प्लेट यहाँ उठा के एक बार बस नजदीक लाया जाए थोड़े कैमरे के प्लीज, तो आप वन में शूट कर लो, वन में शूट कर रही हूँ पर प्लेट थोड़ी जूम पे नहीं दिखा पाती ना मैं, थोड़े यहाँ कैमरा पे थोड़ी नजदीक दिखा दो तो ये देख लो कैसे मतलब ये मेरे बिना वो देख लो हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं वो, मेरे को तो इसी बात पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता सुप्रीम आज तक न्यूज वाले कह रहे हैं जी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो तुम, उधर से हमारे जो बड़े बड़े पेज है कुछ एलजीबीटी के वो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं अलाउ किया
तो समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है भाई। और वो सारा बयान देते हैं अपना अंग्रेजी में और हम ठहरे अंग्रेजी के, तो हमें कुछ समझ नहीं आया। सीधी सीधी ऐसा नहीं है वो, बहुत उनकी ना एक्चुअली उनके सेंटेंसेस ना बहुत क्लियर सुनाई नहीं देते जो बात है, और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। और दूसरी बात यह कि वो इतना डीप डिस्कशन, इतना डीप डिस्कशन करते हैं वो, इतने सेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हमको नहीं समझ में आता। अभी मैं आज तक का भी पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो उसने भी यही बोला कि अडॉप्शन ले सकते हैं और अडॉप्शन नहीं ले सकते बैंक्स, और उस क्या बोलते हैं बहुत सारी चीजों के लिए बोला कि अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। अभी मैं 10 चीजों पर सुन रही थी कि 10 चीजें पास आउट की है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अडॉप्शन का क्या मतलब है। अडॉप्शन कैसे पॉसिबल होगा, मतलब क्या? नहीं तुम्हारी तरफ देख के बोलूँ ना ताकि तुम भी राय रखो ना अपनी। तुमको क्या लगता है, तुमको पापा बनाएंगे और मेरे को मम्मी हैं अडॉप्शन में? है सपोज दैट हमने आदित्य को गोद लिया, आदित्य इंगर एक मुंडी ऊपर कर गा बिल्कुल गर्दन नीचे, मैं चाउमीन में अड़ा रखी है बिल्कुल गर्दन नीचे, बाप रे बड़ी करके बोला। अरे तो सीरियस बात कर रही हूँ मैं इससे अभी नहीं, हम तुझे अडॉप्ट करते हैं, हैं? हमारी सच्ची बनी है बहुत बढ़िया। मैं कुछ सीरियस बात कर रही हूँ ना उससे तो हम तेरा अडॉप्शन करते हैं, हैं? तेरे माँ बाप से हमने तुझे गोद ले लिया, ठीक है? तेरी मम्मी ने कहा ले जाए सब बबाल को यहाँ से, हैं? ठीक है तो तू 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 मम्मी पापा कैसे किसे बुलाएगा हम दोनों में से बता ना मम्मी पापा किसी को नहीं बुलाने का तू है? मम्मी भी नहीं बुलाने का? मम्मी पापा बुला नहीं, पूछ रही हूँ ना मैं उससे, उसकी राय जानना चाहती हूँ ना मैं, है मुझे क्या बुलाएगा? डुकू को क्या बुलाएगा कैसे है खाने के चक्कर? तो गाइज मैंने इसे आज भी कहा था कि भैया अपना बोरिया पर मान ले, कह रहा मैं तुम जाता। उसकी मम्मी ने भी कह दिया कि इसका सामान सामान पैक करके इसकी टिकट करा दे, ये कह रहा है भी यही रहेगा, कह रहे हैं छाती पे मूंग दलूंगा सारे दोनों की, क्या कहते हो गाइज? अच्छा सुने, कुछ लोग कह रहे हैं आदित्य का चैनल बना दो, बस उसकी बात तो देख लो, कह रहा है ये मेरा ही चैनल है। ये कि हम जो भी आज डिसीजन आया है तो भी वेरी ऑनेस्ट और बहुत सीरियस मोड में बता देते हैं कि जो भी डिसीजन आया है, जो भी इन्होंने मैरिज के लिए मैरिज इक्वालिटी को यू नो एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो देखो बात यही है कि ये सारी चीज़ें कहते हुए जानते हुए कि भाई फीलिंग्स मैटर करती है या फिर हमको भी अपना जीवन साथी चुनने का हक है, सिर्फ ये बातें कह देना ही मतलब इन चीज़ों को भी फ़र्क नहीं पड़वाएगा। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस चाहिए, और जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि अभी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई हमारी कुछ कम्युनिटी के जो कुछ पेजेस हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी राइट नहीं मिला चाइल्ड अडॉप्शन का भी, लेकिन कोर्ट के थ्रू आया है कि चाइल्ड अडॉप्शन कर सकते हैं। बट मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर अडॉप्शन के लिए आ भी गया है और आपने मैरिज जब मैरिज के जो राइट्स हैं वो लीगली नहीं किए, तो फिर वो जो कपल है वो किस किस रिश्ते के नाते मतलब बेबी अडॉप्ट करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यार मतलब शादी फर्स्ट प्रायोरिटी है, शादी के लिए एक्सेप्टेंस देना, उसको लीगलाइज करना वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर शादी का रिश्ता ही नहीं होगा, अगर स्पाउस ही नहीं होंगे एक दूसरे के, तो उसके बाद उससे उसके अलावा कुछ भी तुमको कोई रिश्ता मिल रहा है तो उससे क्या लेना देना? ऐसे तो सिंगल पेरेंट भी बच्चे अडॉप्ट कर ही रहते, तो मुझे लगता नहीं कि इस बात से कोई खास फर्क पड़ा है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि पूरी कम्युनिटी में जितने भी चाहे वो लेस्बियन कपल हो, चाहे वो गे कपल हो, चाहे मतलब वो एलजीबीटी कम्युनिटी में किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुझे लगता है कि सबके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैरिज ही होगी, कि उनकी मैरिज लीगल हो, उसके बाद की सारी चीजें हैं कि भाई उनको बैंक अकाउंट्स मिले, उनको इंश्योरेंस में नॉमिनी मिले, उनको बेबी अडॉप्शन मिले, चाइल्ड अडॉप्शन मिले, या वो एक घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, मतलब एज अ कपल में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सभी के लिए मैरिज है, तो मुझे लगता है कि पहले मैरिज लीगल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो एक होप टूट चुकी है, नहीं, वो तो देखो होनी है, आज नहीं तो 2 साल बाद होगी, ठीक है 4 साल बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर। एंड हमको नहीं पता कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जजेस की मैं बात करूँ तो उनको भी ये चीज़ पता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है, कि आप अपना पार्टनर कैसे चुन रहे हो, और एक सही पार्टनर का चूज़ करना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है।
तो लेट्स सी कभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख है क्योंकि अगर ये चीज़ें शुरू नहीं होती लाइक इस पर डिसीजन ना आता तो कम से कम एक ये था ना कि चलो चल रही है हियरिंग्स अभी चल रही हैं, अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। लेकिन अभी आज ये जो एक नेगेटिव डिसीजन आ गया है ये बहुत यू नो पेनफुल टाइप है, बट इट्स ओके, होप फॉर द बेस्ट, आगे कुछ और बेटर होगा। और जैसे कि मैंने दिन में बताया था कि जब भी कोई बड़ी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली होती है तो उसके लिए स्ट्रगल्स भी उतने ही होते हैं। तो देखो मैरिज तो लीगल होके रहेगी और धूमधाम से कर रही हैं अपन दूसरी शादी, वो पारू पारू भी नहीं कर रही और मेरे से अच्छे से बात भी नहीं करती, सारा दिन किसी के साथ बिजी रहती है फ़ोन पे पूरा दिन और उसी से बातें करती है, उसी से पूरे दिन प्यार करती है और मेरे से भी कोई बातें नहीं करती, सौ और दिन फ़ोन पे रहती है, सौ और दिन फ़ोन पे, मुझे क्या पता किसके साथ बिजी रहते हो आप फ़ोन पे सारा दिन, सारा दिन फोन पे बिजी रहते गाइस, मुझे बिल्कुल भी ना टाइम देती ना मुझे प्यार करती ना मेरा ध्यान रखती। और पता है मेरा व्रत है ना, मुझे पूरे दिन में एक ग्लास पानी भी नहीं ला के देती, पता है मतलब मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। ये भी नहीं कि बाबू तू चल चाय पी ले या फिर तू दूध पी ले या फिर तू चल तेरे लिए फ्रूट ला देती हूँ, नहीं गाइस नो पारू पारू हराम जादे लाए थे तो देने भी तो पड़ा है, आपको लेकर खाते रहो क्या, देने का कोई मतलब नहीं है। हाय हाय कमीना कैसा है कैसा है, देख रहे हो देख रहे हो, ये भी इसकी तरफ हो गया कैसे। रात में चावल उसने मैंने नहीं बनाए थे और वो मैं ही क्या बर्गर। अच्छा बर्गर का दान नहीं है क्या तू, बस जो मिल जाए उसका दान नहीं, मतलब हाँ ऐसे ही हो जाएगा जैसे पेट निकल रहा ना यहाँ, तेरा मामला भी ऐसे ही हो जाएगा बर्गर खा खा के। हाँ मेरा नहीं होने का एक कर सीधा जाता जाता है वो। हाँ और तुम एक दिन चली गई पांच बज गया एक दिन चली गई हाँ पांच बज गया पकड़ के बैठ गई आज मेरा तो पांच बज गया इधर इतने भाई पट्टी गर्म पट्टी पहन दी रात को मगर भाई ये तो दिक्कत और पांच बजे और भी नहीं है और बताइए भाई उम्र का फर्क नहीं है, लड़ाई लड़ाई कैसे कर, लड़ाई कैसे करती है लड़ाई, दांत बीच कर कैसे करना गुआ तो जोड़ लिया आदत है वो जोर की बात नहीं है। हाँ दांत बीच ली ऐसे बगा दिख जो रहा है तू नहीं खा रहा और अब बहुत सारी पड़ी होगी जो वहाँ पे कितनी बनाई है आपने और बनाई है ना था मैं तो नहीं खाती तुम दोनों को ही खिलाऊंगी सुबह नाश्ते में कुत्ते पर व्रत चल रहा है मेरे हाँ व्रत चल रहा है तब तक इसे कीड़े पड़वाने हैं बाबू नहीं खाया जा रहा तो प्लीज नहीं खाओ हाँ रहने दो फिर मत खाओ। तो गाइस आज बिना पारू पारू के इतने दिन से नो पारू पारू के ही व्लॉग एंड कर लेते हैं, कल के व्लॉग में मिलेंगे आपसे, कल कहीं तो जाने का प्लान बन सकता है, आज तो भूल गई है लड़की मैंने याद भी नहीं दिलवाया था सच बताऊं तो। पूछ के याद नहीं दिलवाया इसने, ये चाहती नहीं है मैं लेके जाऊं। और आज सुबह की बात तो बताओ अलार्म जो लगाया है 8 बजे का बता दिया सुबह ही बता दिया 4 बार आज वो हनुमान चालीसा चली है सुबह 8 बजे पूरी पूरी और सब सुन के चार तीनों के तीनों सो गए ये तो बीच में उठा था एक बार है ना फिर सो गया। तो गाइस आज इसी के साथ यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। नीचे भी नहीं जा रहे हैं हम गरबा देखने, हम बेड पे ही पड़े हैं सारा दिन ये सब करते रहते हैं तो रोज होता है ना गरबा। चलो गाइस कल के ब्लॉग में मिलूंगी मैं, कल सुंदर काका बन के मिलूंगी, टाटा बाय बाय गुड नाइट।